आदरणीय अध्यापक साथियों, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। पिछले 3-4 दिनों से मुझे लगातार बहुत से शिक्षक साथियों के फोन आ रहे हैं कि SGTU का फेसबुक जो ग्रुप है वो काम नहीं कर रहा है या उस पर हमारी पोस्ट अप्रूव नहीं हो रही है। तो मैं इस संदर्भ में आपको बताना चाहता हूं कि 4 दिन पहले ही जो ग्रुप 2011 में हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ हिमाचल गवर्नमेंट टीचर यूनियन के नाम से बनाया गया था, जिसमें 83,000 मेंबर जिसके उस ग्रुप में है, और उसमें हमने 6 एडमिन बनाए थे जो उसको उस ग्रुप को देख रहे थे। बड़े दुख के साथ कह रहा हूं कि जो घटनाक्रम चल रहा है, जिस तरह से सरकार के इशारे पे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र कर्मचारियों की आवाज को दबाने के लिए किया जा रहा है, कर्मचारियों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है और संगठनों को कमजोर करने का एक प्रयास हो रहा है, उसमें हमारे अपने लोग जो है सम्मिलित हैं। इस कड़ी में हमारे जो शिक्षक नेता है वो अपनी ट्रांसफर रुकवाने के लिए, अपनी एडजस्टमेंट करने के लिए या अपने परिवार की एडजस्टमेंट करने के लिए, अपने परिवार को फायदे देने के लिए इतनी इतनी होछी राजनीति पे उतर गए हैं या इतने घटिया स्तर पे वो लोग आ गए हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। और कर्मचारियों को डराया जा रहा है, शिक्षकों को डराया जा रहा है कि वीरेंद्र चौहान का साथ छोड़ दो, जो वीरेंद्र चौहान के साथ चलेगा उसकी ट्रांसफर हो जाएगी, जो इवन उसको कमेंट भी करेगा उसकी भी ट्रांसफर हो जाएगी। इस तरह से मुझे नहीं लगता कि संगठन आगे चलेगा और कर्मचारियों की या शिक्षकों की बातें आने वाले समय में पूरी हो सकती है। तो इसी कड़ी में मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, एक इतना घिनौना काम, एक इतनी होछी बात हमारे शिक्षक साथी ने की, जो बहुत ही प्रबुद्ध साथी है, जो बहुत ही सीनियर साथी है, जो संगठन में कई दायित्वों पे रहे इससे पर और अब रिटायरमेंट पे बैठे हैं, उन्होंने मुझे ग्रुप के एडमिन से हटा दिया। मुझे ही नहीं हटाया, 5 और एडमिन थे उनको भी ग्रुप से हटा दिया और केवल मात्र अपने आप ग्रुप के एडमिन बन गए और उस ग्रुप के ऊपर अपना एक कंट्रोल कर दिया, जैसा कि उनका एक अपना ग्रुप होगा। और मुझे नहीं समझ आता, अगर हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ का ग्रुप है तो उससे प्रदेश अध्यक्ष को, उस ग्रुप के उस प्रदेश अध्यक्ष को हटाना कितना नैतिक है, कितना सही समझते हैं। इसका कारण केवल और केवल मात्र एक ही है कि मेरी आवाज कर्मचारी तक, शिक्षकों तक ना पहुंचे, जो मैं बात कहना चाहता हूं, जो मुद्दे उठाना चाहता हूं वो लोगों तक ना जाए और उससे लोग जो है वो मोटिवेट ना हो और सरकार के खिलाफ कोई हजूम खड़ा ना हो, कोई मुहिम तैयार ना हो। इसकी यही एक इसके पीछे षड्यंत्र है, इसलिए मुझे ग्रुप से हटा दिया ताकि मैं कोई पोस्ट ना डालूं, कोई अपील ना डालूं, कोई आप तक बात ना पहुंचाऊं। और मुझे पता है कि आप सभी शिक्षक साथी बहुत दुखी है, क्योंकि 83,000 के ग्रुप में ज्यादातर शिक्षक हमारे जुड़े हैं और आपका इंतजार भी रहता है कि कोई अपडेट उस ग्रुप में अंदर आए। तो मुझे भी बहुत दुख है, हालांकि मैं बहुत दुखी हूं और ऐसी घड़ी और ऐसा समय मैंने अब किसी भी कर्मचारी इतिहास में नहीं देखा है। मैं लगातार 10 सालों से प्रदेश का अध्यक्ष हूं, इससे पहले मैं 21 सालों से हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के अलग अलग पदों पे मैं काम कर चुका हूं और रात दिन मैंने बड़ी ईमानदारी से संगठन को इस बुलंदियों तक पहुंचाया और यह सबसे बड़ा संगठन आज हिमाचल प्रदेश के अंदर, इसको बनाने में अपना योगदान दिया, लोगों का विश्वास जीता और लोगों के लिए अपने आप को कुर्बानी की। साथियों, करने को तो मैं भी कर सकता था, अपनी एडजस्टमेंट के लिए मैं भी घुटने टेक सकता था, बात कर सकता था सरकार से, लेकिन मैंने समझौता नहीं किया है। उसकी सजा शायद ये मुझे दी जा रही है कि मुझे हर जगह से हटाने का प्रयास किया जा रहा है और मैं एक इलेक्टेड प्रधान हूं और जो नॉन
नवंबर 2022 तक मेरा कार्यकाल रहेगा, उससे मुझे लगता है कि कोई भी साजिश या कोई भी किसी तरह की ताकत जो है मुझे 9 नवंबर 2022 तक जो है मेरे पद से निष्कासित नहीं कर सकती है, ना हटा सकती है। मैं आपको विश्वास से कहना चाहता हूं कि आप इनकी बातों में ना आए। और मैं एक और अपील आपसे करना चाहता हूं कि हिमाचल गवर्नमेंट टीचर यूनियन का हम एक और ग्रुप में तैयार कर रहा हूं, एक नया ग्रुप मुझे बनाना पड़ रहा है। जो भी साथी मुझ पे विश्वास करते हैं, मेरी बातों पे विश्वास करते हैं, जिनको ठीक लगता है कि मैं कर्मचारियों के, शिक्षकों के मुद्दे या बच्चों के मुद्दे उठाता हूं, या आगे भी उठाता रहूंगा, आप मुझे सहयोग जो साथी करना चाहते हैं, जो मुझसे जुड़ना चाहते हैं, कृपया करके मैं लिंक शेयर कर रहा हूं। हिमाचल गवर्नमेंट टीचर यूनियन का एक नया ग्रुप हमें बनाना पड़ रहा है, हम नए से मेहनत करें, क्योंकि 11 साल पुराना ग्रुप जिसमें मैंने 11 साल मेहनत की थी वो ग्रुप अब जो है उससे हमें हटा दिया गया है, एक बड़ी साजिश के तहत हटा दिया गया है। और एक ऐसे शिक्षक साथी जिनके ऊपर मैं कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन उनको अपने अंतरात्मा से ये पूछना चाहिए और जानने की कोशिश करें कि जो उन्होंने किया वो कितना सही और गलत किया है। चाहे तो हम उनके खिलाफ जो एक जो साइबर क्राइम के तहत जो एक कार्रवाई भी कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा भी नहीं करेंगे। उनको ये ग्रुप मुबारक हो, वो खुश रहे। अगर उनको लगता है कि वीरेंद्र चौहान की आवाज को हम दबाना चाहते हैं, वो लोगों तक न पहुंचे, तो उसके बहुत से और भी तरीके हैं जो हम जो है शिक्षकों की आवाज को और मंच से उठाएंगे। या एक बहुत जल्दी मुझे विश्वास है हम एक हफ्ते के अंदर इतना ही बड़ा ग्रुप जो है शिक्षकों का जो है एनजीटीयू का एक दूसरा ग्रुप खड़ा कर देंगे। आप कृपया करके उसमें अपनी बात को रखें, आप ज्वाइन करें, उस लिंक के माध्यम से आप जो उसके मेंबर बने, ताकि हम जो है आपस में एक अच्छा माहौल बना सके और शिक्षक साथियों के मुद्दों को जो है समय समय पर उठा सके। इसी उम्मीद के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि जो नया ग्रुप एनजीटीयू फेसबुक का मैं बना रहा हूं या मैं उसका लिंक आपको भेज रहा हूं, मैं बना चुका हूं उस ग्रुप को, तो उसमें आप कृपया ज्यादा से ज्यादा शिक्षक साथी जो है उसमें उसको ज्वाइन करें और उसके सदस्य बने। इसी उम्मीद के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ, जय शिक्षक एकता।